सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रोड पे सुबह सुबह, और मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज गाइस आज हमको लेके जाना है चुलबुल को इंजेक्शन लगाने के लिए। मेरे हाथ में इंजेक्शन और वो रहा सामने चुलबुल पापा के साथ में। गाड़ी में दिखाऊंगा आपको मैं उसको। तो भाई फटाफट से ना इंजेक्शन लगाने चलते हैं इसको। तो भाई चुलबुल को ना पापा ने गाड़ी के अंदर ठूस दिया है। चलो भाई मैं भी बैठ जाता हूँ गाड़ी में। गाइस ये है चुलबुल। चुलबुल आज हम एक जंग जीत जाएंगे। इसका इंजेक्शन का कोर्स आज कंप्लीट। हाँ, इंजेक्शन का कोर्स आज कंप्लीट है गाइस। इसका पांचवा इंजेक्शन आज। आज पांचवा इंजेक्शन है और इसके बाद फिर हमको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो आज आखिरी बार जाना है। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि इसको आप कोई दूसरा कुत्ता ना काटे यार। इतने इंजेक्शन लगाना भाई अपने बस की बात हो रही है। जो हम हॉस्पिटल है वो पहुंच चुके हैं और यही पर जो है इंजेक्शन लगेगा इसको। और पापा जो है इंजेक्शन जो ठोकेंगे उनको बुलाने गए। और चुलबुल यहाँ पे समझ चुका है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। चुलबुल खोल लिया उसने अपना मास्क। अरे खोल लिया। पांच दिन से लगातार ठोक रहे इंजेक्शन। तो अपना लौंडा फ्रॉम बसोंडा चुलबुल को इंजेक्शन ठोक के ला चुका है भाई। मैं तो भाई घर में था बिकॉज मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो मैं उनको अटेंड कर रहा था। बाकी भाई चुलबुल को तो ठोक दिया इंजेक्शन। तू कब ठुका रहा है भाई अपने इंजेक्शन? भाई अपना भाई चुलबुल से कम है क्या? क्यों मेरे को आपने काट लिया क्या? हाँ तो चुलबुल से भी बड़े वाले हो। गंदा धोता है भाई, गंदा वाला धोता है ये। इससे भाई बच के रहने में फायदा है। तो भाई अभी तो मस्त नहा के आ गया हूँ मैं। और यहाँ पे अपना नाश्ता अभी आ चुका है। मेरी मम्मी मेरी सेवा कर रही है। क्या ये क्या ये बनाना शेक पी ले पहले आप पियो उसको। I don't like this. कोई बात नहीं, पी ले, चल जल्दी पी, जल्दी पी, जल्दी पी। I don't like mama. इतना मीठा है यार ये। पी ले, एक सांस में खत्म कर। अबे आइसक्रीम होती तो फटाफट उसको खा जाता है। पागल है क्या? डर गए। पी उसको। दे दो ना, प्लीज दे दो। उसको पी वाले। आमलेट, I love आमलेट। क्या यार इतना मीठा बना दिया। एक सांस में नाक बंद करके, नाक बंद कर। और इतना मीठा कौन बनाता है? एक साथ खत्म कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को इतना सिख ले रहा है। जय श्री राम। एक रत्ती भर नहीं रहना चाहिए। वेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय। रोटी कहाँ है? रोटी नहीं है। रोटी तो लाए हैं। अबे क्या कर रहा है? कंट्रोल दस्ता बोल रहा है। एंड एक्शन। एक बालक जिसका नाम था दिव्यांश पांडे, वो आज से एक हफ्ते पहले गिर के मर गया। पागल है क्या? क्या क्या बोल रहा है? दोबारा बोल, अच्छे से बोल यार, अच्छे से बोल। लाइट्स कैमरा एक्शन क्राइम पेट्रोल दस्तक से। मैं अनु सोनी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक दिल दहला देने वाली कहानी। अच्छे से बोल यार, अच्छे से बोल। मैं अनु सोनी आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिल दहला देने वाली कहानी। हंस क्यों रहा है यार, जल्दी बोल, तो टाइम नहीं है। मैं अनु सोनी आपके लिए आज लेकर आया हूँ दिल देना दिल देना। अरे ना 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 यार, अच्छे से बोल यार, अपने स्टाइल में, अपने स्टाइल में। 1, 2, and action. मैं अनु सोनी आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिल देना दिल देना दिल देना दिल देना दिल देना दिल देना दिल देना। ये एक बालक जिसका नाम दिव्यांश पांडे, भाई साहब ये एक लाइन नहीं बोल पा रहा है कि मैं अनूप सोनी और भाई साहब ये बालक एक घंटे से एक लाइन नहीं बोल पा रहा है। अबे आप कौन सा बोल पा रहे हो? जाओ। मैं अनूप सोनी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक दिल दहला देने वाली कहानी जिसमें एक बालक जिसका नाम था दिव्यांश पांडे, उसके हाथ पर क्रिकेट खेलते वक्त लगी बॉल जिसकी वजह से उसकी हाथ की हड्डी उसकी आंख में घुस गई। आंख में नहीं, उसकी आंख में नहीं घुसी, उसकी हाथ की हड्डी उसकी दूसरी उंगली के नस में चढ़ गई। उसकी हाथ की हड्डी सक के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जब ऊपर चढ़ गई, किसके ऊपर चढ़ गई? उसकी हाथ की हड्डी यहाँ से चढ़ गई, हाथ पहुंच गई, जिस वजह से उसको ऐसा लगा कि उस टाइम पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मरा। मनीष सर नाम के
व्यक्ति ने उस टाइम पर उसकी आधी उंगली खींच दी और उसका डिसलोकेट हुआ हड्डी वापस से लोकेट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उस बंदे की फट गई और वो गया एक्सरे करवाने, लेकिन एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला। ऐसा पता चला कि उसकी हड्डी एकदम सही जगह पर थी, बस सूज गई थी, बस सूज गई थी उसकी हड्डी, कुछ और नहीं। सूजी नहीं थी भाई, सूजी थी उंगली, ना कि हड्डी भाई। उंगली सूजी थी गाइस, कुछ और नहीं सूजा था, ठीक है, सिर्फ उंगली सूजी थी। उसके बाद वो घर पर आया, उसने ये सोचा कि वो प्रैंक करेगा अपने माँ बाप पर उसके जो पिताश्री थे वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने किट बाहर फेंक दी जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके बेटे की उंगली सूज गई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आज के बाद तू क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी की सूजी हुई देख ली उंगली। उन्होंने अपने बेटे को इतना सुनाया कि उनका बेटा रोने लग गया। लेकिन बाद में उनके बेटे ने उनको बता दिया कि पापा मेरी हड्डी नहीं टूटी है, मेरी बस सूजी है उंगली। उसके बाद उसके पापा ने बोला कि बेटा आज के बाद तू क्रिकेट नहीं खेलेगा, अभी तो तेरी सिर्फ सूजी है, अगली बार टूट भी सकती है उंगली। लेकिन आज वही दिव्यांश पांडे नाम का बालक दोबारा से क्रिकेट खेलने जा रहा है। एक हफ्ता हो चुका है उसकी सूजी हुए, उसकी हड्डी को सूजी हुए, उसकी उंगली को सूजी हुए। आज वो क्रिकेट खेलने वाला है दोबारा से एक हफ्ते बाद, और देखते हैं कि आज उसका क्या क्या टूटता है। और क्रिकेट किट अंदर आ चुकी है और देखते हैं कि इसके पिताश्री क्या बोलते हैं। अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल 10 तक। तो भाई कलेश और कहानी कुछ ऐसी कि भाई पिछले हफ्ते संडे को ही एग्जैक्ट भाई साहब आज मेरी उंगली टूट गई थी बट मनीष सर ने जोड़ दी उंगली मेरी। और पहले तो भाई आज से करीब 3-4 दिन पहले भाई मेरी ये उंगली मुड़ भी नहीं रही थी, बट अब ये इतना मुड़ रही है, मतलब मैं बल्ला पकड़ ले रहा हूँ, इतना ही मुड़ रही है बस, और इतने में अपना काम हो जा रहा है, मैं बल्ला पकड़ ले रहा हूँ, शॉट वॉट मार दे रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज की बैटिंग को मैं अपने टूटे हुए हाथ से खेलूं और अपनी बैटिंग को आज अपने महेंद्र सिंह धोनी सर के नाम करूं। कि आज वर्ल्ड कप नहीं, आईपीएल फाइनल है 2023, आईपीएल फाइनल को मैं अपने टूटे हुए हाथ से बैटिंग करके महेंद्र सिंह धोनी जी के नाम करना चाहता हूं कि मैंने टूटे हुए हाथ से उनके लिए बैटिंग करी। आज अपने भाई का लास्ट मैच है ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, बट लोग कह रहे हैं कि लास्ट मैच है। अब शायद हमको आज के बाद माही भाई बैटिंग करते हुए दिखे ना दिखे, कैप्टनसी करते हुए दिखे ना दिखे, बट ये है कि कुछ भी हो जो भी हो आज की बैटिंग माही भाई के नाम करनी है यार, और टूटे हुए हाथ से खेलना है क्रिकेट। तो मैंने सब लोगों से बात कर लिया, मनीष सर भी आ रहे हैं साथ में, कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, भावेश भी आ रहा है, ओम भी आ रहा है, मस्त खेलेंगे भाई क्रिकेट। तो पापा से बात करते हैं, बस पापा को मनाते हैं और चलते हैं अकेडमी खाना खाने के बाद। चलो मेरी फेवरेट सब्जी बनी है आज पनीर की, मैं वो खा रहा हूँ, और मेरे लिए रोटी नहीं बची है। और पापा कह रहे, क्या कह रहे पापा, क्या कह रहे आप, चुलबुल के लिए बची रखी है ना रोटी, उसमें खा ले। कैसी बातें कर रहे हो पापा, चुलबुल की रोटी खा ले। उसके नाम की रोटी बनी हुई है, उसके नाम की रोटी तू खा, चुलबुल ने खाई, आपने ही बात है, खाओ तो। अब भाई दुविधा ये है ना कि भाई किट जो है मंदिर में, और मंदिर के बगल में पापा बैठे हुए हैं भाई साहब, अब क्या कहे पापा से। निकाल दो पापा, ओ पापा अभी अभी आ रहे हैं, एक घंटे में आ रहे हैं। अरे बेटा सामो वहाँ जरा पूजा यार, हाँ एक घंटे में आ जाएंगे, इधर शेट खेल खेलने बस ओम खेलेगा, मैं नहीं खेल रहा, मेरा हाथ टूटा हुआ है, ये हाथ टूटा थोड़ी यार। पापा सच में आप भरोसा रखो, मैं नहीं खेलने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बैठ के रिकॉर्डिंग करूंगा बस ओम की। अरे भाई बोल दो ना कि आपको बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, कीपिंग करनी है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने साथ ही लेके जा रहा हूँ, अगर हाथ में कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं स्प्रे मार दूंगा। चलो भाई चलते हैं, अपन के पैरों पर एक भी चीज अगर प्रॉब्लम हुई घर के अंदर मत आना, क्योंकि वहीं से निकल जाना, कहीं जा भी जाना। कुछ दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, गारंटी मेरी है बेटा। गारंटी तेरी है ना तभी तो दिक्कत है, तेरी गारंटी है तभी दिक्कत है पापा, गारंटी है फिर क्या है, तभी वही दिक्कत है, वहां से जा रहा क्रिकेट के मैदान में। मैं नहीं खेलूंगा ना, मैं नहीं खेलूंगा, भाई ही दिक्कत है बोल दो। अगर बेटा मैं बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत अगर हुई मैं बल्ले से ऐसी सुताई करूंगा, दोनों की सुताई करूंगा, याद रखना मेरी सुताई क्यों करोगे। चलो दो किट दो इधर, क्रिकेट खेल रहा हूँ क्रिकेट।
भाई पापा की शक्ल देखो भाई साहब बॉम्बास्टिक साइड आए कहाँ गए